नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि पर नवम्बर के महीने में सभी ग्रहों का प्रभाव मिला जुला रहेगा। इस महीने के दूसरे पक्ष में आपकी राशि के स्वामी बुध शत्रु राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे, जिसके कारण झूठे आरोप और मानसिक कष्ट मिलने के योग बन रहे हैं। राहु का सिंह राशि से गोचर, जो कि आपकी जन्म कुंडली का 12वां भाव है, आपको हानि पहुंचाने के योग बना रहा है। किसी षड्यंत्र का भी आप इस समय शिकार हो सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोगों को भी इस महीने बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में न आए। कार्यस्थान पर उच्च अधिकारी इस समय अकारण ही आप पर शक करेंगे, सावधानी और ईमानदारी से कार्य करें। इस महीने चंद्रमा 12-13 तारीख को आपकी चंद्र कुंडली के अष्टम भाव से गोचर करेंगे, इसलिए यह समय आपके अनुकूल नहीं है। इस समय पर आपको अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 21 और 22 तारीख को किसी भी प्रकार के लेन देन से बचें। इस समय पर चंद्रमा आपकी चंद्र कुंडली के हानि भाव से गुजरेंगे। ज्योतिषीय सलाह। इस महीने प्रत्येक बुधवार के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश को 5 बूंदी के लड्डू और दुर्वा जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सभी विघ्नों का नाश होगा। इस महीने कन्या राशि को भाग्य मीटर पर 5 में से 3 अंक मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।